साहब। चले सीधा रुख करते हैं, कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही है, आपको सुनाते क्या कुछ वो कह रहे हैं। जो हमारा कर्तव्य है हम उस कर्तव्य पर डटे हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से लोग निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी, मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। मैंने पिछले एक महीने से कह रहा हूं मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। जैसे जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, आज भी मैं विश्वास करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। कमला जी क्या चुप हो गई इतनी बड़ी चक्कर भी आपकी? ये सब तो थैंक यू। तो मध्य प्रदेश की हार के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप देख रहे थे, इससे पहले हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी अशोक गहलोत की, राजस्थान में जिस तरह का प्रदर्शन जो है कांग्रेस का देखने को मिला उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली जिसके बाद कमलनाथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए और उन्होंने कहा कि मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। आप ये ग्राफिक के जरिए आप देखिए कि कहां कहां बीजेपी जो है वो परचम लहराती हुई नजर आई है। अगर आप चार राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आपको नजर आ रही होगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तेलंगाना की तो वहां पर कांग्रेस जो है करीब करीब 63 से 64 सीटों के बीच में मौजूद है। 63 से 64 सीटें वहां पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से बीजेपी की बंपर जीत से खुशी का माहौल जो वो देखने को मिला। बस्ती में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर जीत का जश्न मनाया। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली जहां चार राज्यों के जो परिणाम आए और उसके बाद से बीजेपी के पक्ष में ये परिणाम आए और फिर इसका असर आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी खुशी का माहौल है और इसको लोकसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। प्रतापगढ़ हो, लखनऊ हो, बस्ती हो, अमेठी हो या फिर आगरा, हर जगह बीजेपी कार्यालय सड़क पर गली मोहल्ले में पटाखे जलाए जा रहे, मिठाइयां जो है